पाकिस्तान लुकानता है जी, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो कि उर्दू जादसी के ऊपर मौजूद है टर्की में सुल्तान गाजी के इलाके में। जी हम अंदर आ चुके हैं और अब मैं आपको दिखाऊंगा क्या मज़े मज़े के खाने हैं। ये बिरयानी है जी, मैंने अभी अभी मैंने खुद भी खाई है और बहुत मज़े की थी, पाकिस्तान की याद ताज़ा हो गई। मेरा नाम इरशाद असगर है, मैं पाकिस्तान लाहौर से हूँ, लाहौर टाउन से मैंने ये होटल बनाया है। पाकिस्तानी भाई जो हैं वो अक्सर पाकिस्तानी खानों की वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, जिसमें बिरयानी है, ये चिकन गोश्त है, कीमा है, मटन है, कढ़ाई है, तो इसलिए वो स्पेशल पाकिस्तानी खाने के लिए हमारे पास खानों के लिए आते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि उनको अच्छे से अच्छे पसंदीदा खाने दिए जाएँ, कम से कम रेट्स में दिए जाएँ। थोड़ा सा रेट्स के बारे में बताएंगे जी, ये बिरयानी जो इस वक्त हम देख रहे हैं ये कितने में प्लेट इसकी मिलती है? ये 10 रुपये की फुल प्लेट है, 5 रुपये की हाफ प्लेट, यानी 5 रुपये से मुराद है 5 लीरा और 125 पाकिस्तानी रुपये बनते हैं हमारे हिसाब से। यानी ये नामुमकिन है कि इस्तंबुल में आप 5 लीरा में ऐसी चीज़ खा सकें। इसके अलावा ज़रा चीज़ों का बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। चिकन है इसकी 10 रुपये की प्लेट है, इस चिकन की जी ये चिकन की है, कीमा है इसकी भी ऐसे ही 10 रुपये की प्लेट है, 5 की हाफ प्लेट है, 2 रुपये की ये शामी टिक्की है, 1.50 रुपये का समोसा है, ये जो स्पेशली पाकिस्तानी लोग ज़्यादा। ये जो बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं वो बेचारे सुना है 800-900 लीरा के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी सहूलत है कि वो खाना खा सकते हैं ओवर टाइम। बिल्कुल बड़े आराम से आते हैं, 8-7-8 रुपये में 10 रुपये में आराम से खाना खा के चले जाते हैं, पेट भरते चले जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि कम से कम पैसों में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खाना मिले, ताकि उनकी सेहत भी बरकरार रहे और उनको ये सहूलत भी यहाँ से चलती है। बाद हमारे पास लोग आते हैं तो किसी के पास पैसे नहीं होते हैं तो खाना कहते हैं हमें दे दें, हम बाद में दे जाएंगे, तो हम फिर खाना तो उनको देते हैं, खाना का काम लेना पड़ता है, हम कोई बात नहीं पैसों की कोई बात नहीं ना भी हो, लेकिन हमारा जो पाकिस्तानी भाई है वो खाने के लिए आएगा। ज़बरदस्त रेस्टोरेंट इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बंद हुआ पड़ा है और सिर्फ डिलीवरी या पैकेज सर्विस चल रही है। ज़िंदगी है तो हमें SOP को भी फॉलो करना है, बिजनेस को भी फॉलो करना है। ज़बरदस्त जी, मेरा नाम हसन अली। हसन अली साहब आप कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान गुजरांवाला से। अच्छा माशाल्लाह, और ये रोटियां बना रहे हैं जी? ये पेड़े खा रही है। ये कितनी रोटी बनेगी आपकी? ये 600-700 रोटी होगी शाम को, सिर्फ शाम को, दिन को इसके अलावा कुलचे भी मिलते हैं यहाँ पर? जी यहाँ पे कुलचे भी मिलते हैं। रेस्टोरेंट आपका माशाल्लाह कितने साल से है? ये 1.5 साल से है। अच्छा ज़बरदस्त, और अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना की वजह से कोई इफेक्ट हुआ है? फिर भी हुआ है थोड़ा सा, ताकि काम शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। ये तंदूर इनके देखिए कितने साफ सुथरे हैं, और ये पाकिस्तानी स्टाइल के तंदूर हैं, टर्किश नहीं है। और ये आपने तमाम इजाज़तनामे लिए हुए हैं जो बल्दिया से हमें चाहिए होते हैं, रुख्सत वगैरह हर किस्म की, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एक और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के बाहर हैं हम इस वक्त, और ये काफ़ी चलने वाला और काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है, ये गाजी उस्मान पाशा के इलाके में ही मौजूद है। जुमे वाले दिन फ्री खाना तकसीम करते हैं। ये देखिए ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, पाकिस्तान लुकेंतासी के नाम से ये 2 रेस्टोरेंट्स की चेन है और बहुत अच्छा खाना, ख़ास तौर पे इनकी क्वालिटी पाए है। अभी हम आपको इनके ओनर से मिलवाते हैं। इस वक्त हम हैदर भाई के साथ हैं जो मालिक हैं इस रेस्टोरेंट के, ये 2 रेस्टोरेंट चला रहे हैं यहाँ पर। हैदर भाई ज़रा बताएंगे कि आपके रेस्टोरेंट पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, और जो आपने गरीब बच्चों के लिए जो कम प्राइस का खाना है उसके बारे में। जो है ना हर दिन का जो है ना एक मेन्यू होता है, एक दिन दाल सब्जी होती है, चिकन तो रोजाना होता है, उसके बाद जो सैटरडे संडे है उसमें पाए होते हैं, वो मुझे पता है, कुलचे पाए के लिए मैं खुद भी आता हूँ। लाहौरी मोल दिया हुआ मैंने, पर जुम्मे के बाद खाना फ्री देता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त, रात 12 बजे तक मेरा इधर फ्री लंगर चलता है माशाल्लाह, वो मैं उनसे पैसे नहीं लेता। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मेरे पास आते हैं, जैसे पायलट्स आते हैं मेरे पास, उनकी मेहरबानी है, वो कुछ पैसे वो भी दे देते हैं, हर ही हमारा हिस्सा डाल दो, तो उनकी मेहरबानी है। तो इस दफ़ा तो मैंने बंद किया हुआ क्योंकि कोरोना है, वैसे मैं बैठा नहीं सकता। अच्छा हैदर भाई, मैं कुछ और भी जानना चाहूँगा, मैंने आपके पास एक कॉपी देखी, उस कॉपी में आप लिखते हैं, वो क्या चक्कर है, उधार बच्चे खाते हैं क्या? वो जी जी वो उधार खाते हैं आके, मतलब कि कोई हफ्ते बाद देता है पैसे, कोई मंथली में देता है जी, वो इस तरीके से चल रहा है ना सिलसिला। कम से कम कितने पैसों में एक बच्चा यहाँ खाना खा सकता है? कम से कम जो है सबसे लो रेट मेरा ही है इधर, हालांकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रेस्टोरेंट डाल लिए हैं, मगर उनको नहीं पता कि रेस्टोरेंट चलाना बहुत मुश्किल सा काम है। जो रेस्टोरेंट है ना मेरा तो खानदानी काम है, मेरे वालिद जब से आंखें खोली हैं मैंने अपने अबू को यही करते देखा, तो मुझे तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। अब जो अनएक्सपीरियंस लोग आ रहे हैं वो रेस्टोरेंट बना रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, मगर उनको ये नहीं पता कि ये टफ जॉब है एक, तो इसके लिए सबसे पहले तो बंदे को खुद कुकिंग आनी चाहिए,
खुद हर चीज का हुनर होना चाहिए रेस्टोरेंट के बारे में, तो फिर वो कामयाब है। वरना कहे कि मुलाजम तो मुलाजम नहीं, वो हैदर भाई मैंने खुद देखा, आप हर काम खुद भी करते जी। मैं रोटी भी लगा लेता, उसमें कम से कम जो रेट है ना मेरा तकरीबन 7 रुपए में हर बंदा आके रोटी खा के आराम से इजी चला। अच्छा, पाकिस्तानी रुपयों में बताएं ताकि मेरे व्यूअर्स को पता लगे कि कितना सस्ता है। पौने 200 रुपए में समझ लें एक बंदा पेट भर के खाना खा के चला जाता है यहाँ से। और जो फैक्ट्रियों में बच्चे काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में जो काम कर रहे हैं उनको मैंने कईयों का मैस लगा हुआ है, 8 रुपए लेता हूँ, उसमें 3 रोटी सालन और 1 पानी की बोतल दे देता हूँ। और अगर हमारी इस्तांबुल की कुछ फैमिलीज चाहे हमारे मेहमान आ जाते हैं तो आप उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए ये होता है कि जो मेरे पास स्पेशली आते हैं उनके लिए स्पेशली खाना मैं तैयार करता हूँ उनकी डिमांड के मुताबिक। भी हमें नियारी चाहिए, हमें पाए चाहिए, हमें सब्जी चाहिए, तो इतना मसाले और बिरयानी चाहिए। ऊपर वो फैमिली के बैठने के लिए, फैमिली के बैठने के लिए जगह मैंने बनाई हुई है, वो आराम से सेपरेट बैठ सकते हैं। वो अगर कुछ लोग अगर मुझसे रब्ता करना चाहिए तो मैं अपना नंबर रिपीट करवा देता हूँ, 00923388487 69। इस पर मैं मेरा व्हाट्सएप है, मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगा अगर कुछ लोग आना चाहें या डिमांड करें कुछ खाने की तो वो मैं ऑर्डर पे भी किया। आई वुड एडवाइज यू, इट्स अ लवली प्लेस टू कम डाउन, और बहुत जबरदस्त खाना वाना खिलाते हैं और खुले दिल के मालिक हैं। मेन लाहौर का रहने वाला हूँ, लाहौरी खाने बना के। अच्छा, तो बाकियों की तरह यूरोप जाने का कोई नहीं, यूरोप में जाके क्या करना, मुझे अल्लाह। बहुत शुक्रिया, प्लेजर टॉकिंग टू यू। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है हमारे व्यूअर्स ने भी इंजॉय किया होगा, और अगर आप इस्तांबुल आएं तो इनसे खाना खाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।